चलिए आज की क्लास में हम असाइनमेंट नंबर 40 जो है पीएचपी का असाइनमेंट है उसे हम करेंगे और देखते हैं कि पीएचपी में हम असाइनमेंट नंबर 40 का कोड करके इसको रन करा करके देखेंगे। सबसे पहले हम असाइनमेंट नंबर 40 को यहाँ पर पढ़ लेते हैं कि इसमें लिखा क्या हुआ है। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि असाइनमेंट नंबर 40 में लिखा है राइट ए पीएचपी स्क्रिप्ट। पीएचपी स्क्रिप्ट राइट करनी है जिसमें हमको पैलिंड्रोम को चेक करना है कि कोई स्ट्रिंग जो है वो पैलिंड्रोम है कि नहीं है। क्लियर है? तो ये हमको पैलिंड्रोम को चेक करने के लिए कोई पीएचपी स्क्रिप्ट लिखने के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ पर हम जो पीएचपी स्क्रिप्ट है फिर वैसे ही तीन टाइप से लिख सकते हैं। हमको पता है कि पीएचपी की स्क्रिप्ट हम विदाउट फंक्शन लिख सकते हैं, फंक्शन के साथ लिख सकते हैं, या फॉर्म से इनपुट ले सकते हैं। तीनों तरीके से हम पीएचपी की स्क्रिप्ट यहाँ पर राइट कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हमारी आज की जो क्लास है, इस प्रोग्राम को करेंगे हम। चलिए हम यहाँ स्टार्ट करते हैं हमारा जो असाइनमेंट नंबर 40 है जिसमें हमें पैलिंड्रोम को चेक करना है। सबसे पहले मैं फिर से आपको रिपीट करना चाहूँगा, हमारे पास तीन विंडो यहाँ पर ओपन है। सबसे पहला जो विंडो ओपन है वो हमारा जैम का कंट्रोल पैनल है और यहाँ पर अपाचे और MySQL सर्वर जो है वो रनिंग स्टेटस में है। आप यहाँ पर देख सकते हैं दोनों का स्टेटस रन हो रहा है और आपका यहाँ पर जो डी ड्राइव में जैम इंस्टॉल है। मैंने यहाँ पर डी ड्राइव में HT डॉक में test2.php को नोटपैड प्लस प्लस में ओपन किया है। हम यहाँ पर कोड करेंगे और सेव करने पर हम यहाँ पर वेब ब्राउज़र में लोकल होस्ट पर सेम फाइल को ओपन करेंगे लोकेशन दे करके test2.php। तो इस तरीके से लास्ट क्लास का ये असाइनमेंट था, उसका आउटपुट आपको यहाँ पर दिख रहा है। कुछ यहाँ पर डेटा मिसिंग होने की वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर इसे क्लियर कर देते हैं। हमारा जो लास्ट क्लास का डेटा था इसे हम क्लियर करते हैं। फॉर्म से अगर इनपुट लेना है तो और अच्छी बात है, हम फॉर्म से इनपुट ले लेंगे। एंटर ए स्ट्रिंग हम लिख सकते हैं यहाँ पर। क्लियर है? ये लास्ट क्लास का हमारा बॉडी टैग है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर समझ लेते हैं। मैंने HTML टैग को ओपन किया है, HTML टैग क्लोज किया है और यहाँ पर मैंने स्टाइल टैग लगाया है ऊपर में, बॉडी के ऊपर में, जिसमें बॉडी का कलर और फॉन्ट जो है मैंने ये दिया है ताकि कलर बड़ा और फॉन्ट इस तरीके से दिखे। तो ये अलग एरिया है, हमको यहाँ पर देखना है बॉडी के अंदर ये जो हमने कोड किया है। और ये फिलहाल बॉडी के अंदर ये PHP की हमारी स्क्रिप्ट है। क्लियर है? तो ये PHP की स्क्रिप्ट जो दिख रही है यहाँ पर, हमको स्क्रिप्ट राइट करनी है प्लस बॉडी टैग में हमने कुछ डिटेल्स दे के रखी है। ये हमारा बॉडी टैग का फॉर्म टैग बनाया है और मैं इंडेंटेशन इसलिए दे रहा हूँ ताकि वो क्लियर हो जाए कि। तो अब आप देख पा रहे हैं कि बॉडी के अंदर ये हेडिंग लिखी गई है असाइनमेंट नंबर। मैं इसको अपडेट कर देता हूँ, 40 करता हूँ और जब मैं सेव करूँगा तो लोड करने पर यहाँ पर असाइनमेंट नंबर 40 आ जाएगा। और मैंने एक फॉर्म टैग बनाया है जिसमें मेथड मैंने यूज़ किया है गेट, क्योंकि फॉर्म टैग जो है उसमें सबमिट बटन जो होता है उसके जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उनके वैल्यूज को सबमिट करता है। गेट और पोस्ट दो मेथड होते हैं, यहाँ पर गेट मेथड यूज किया गया है। तो पीएचपी स्क्रिप्ट जो है वो रिसीव करेगी गेट मेथड से वैल्यू को। क्लियर है? तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमने फॉर्म बनाया है, एक इनपुट टाइप लिया है उसका नाम नम दिया है और ये टाइप जो है टेक्स्ट है। तो ये टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर क्रिएट हुआ, साथ ही साथ एक बटन बनाया है सबमिट ये वाला और एंटर ए स्ट्रिंग यहाँ पर ये कंटेंट दे दिया है। अब यहाँ पर हम पीएचपी स्क्रिप्ट लिखने जा रहे हैं। इस टेक्स्ट बॉक्स में अगर मैं कोई स्ट्रिंग लिखता हूँ, जैसे मैं लिखा MADAM और सबमिट करने पर मुझे यहाँ पर रिजल्ट आएगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जैसे मैंने इसको सबमिट किया तो ये यहाँ पर URL के माध्यम से ये सर्वर को डेटा सेंड करता है जहाँ पर वेरिएबल का नाम नम है और उसकी वैल्यू जो है मैडम है। तो ये वैल्यू यहाँ से आती है, आप यहाँ पर जो भी वैल्यू लिखेंगे वो वैल्यू यहाँ पर सबमिट होगी। देखिए ये वैल्यू यहाँ पर सबमिट हो रही है। क्लियर है? अब आप देख पा रहे हैं कि हमको पैलिंड्रोम की चेकिंग करनी है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि पैलिंड्रोम होता क्या है, उसको समझ लेते हैं कि पैलिंड्रोम हम किसको बोलते हैं। हम यहाँ सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारा जो पैलिंड्रोम है वो होता क्या है कि रिवर्स ऑर्डर में किसी वर्ड को अगर हम पढ़ दें
और सेम चीज हमें मिल जाए तो उसको हम पैलिंड्रोम वर्ड बोलते हैं। काफी सारे ग्राफिक्स के प्रोग्रामिंग, मिरर इमेजिंग आदि में यूज किया जाता है, और ऐसे वर्ड जिनको रिवर्स पढ़ने पर वो सेम वर्ड नहीं मिलता है तो वो पैलिंड्रोम नहीं कहलाता। यानी कि मैं इनपुट में मैडम दूंगा तो आउटपुट आएगा यस पैलिंड्रोम, और सर देने पर आउटपुट आएगा नो। कई सारे वर्ड्स हैं जो पैलिंड्रोम होते हैं, जैसे डैड हो गया, मॉम, मैडम, मलयालम, 1 to 1, इस टाइप के जो वर्ड्स हैं वो पैलिंड्रोम कहलाते हैं। तो चलिए आइए इनका कोड करेंगे हम। तो हम PHP स्क्रिप्ट लिखते हैं, जिसमें हमको सबसे पहले तो जो हम स्क्रिप्ट लिखेंगे, यहाँ पर जो नम नाम का बॉक्स है इससे एक स्ट्रिंग प्राप्त करनी है। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, और वैल्यू हमें प्राप्त करनी है गेट मेथड से। तो अंडरस्कोर गेट, याद रखना है जो गेट है ना वो कैपिटल में होना चाहिए, क्लियर है? तो गेट मेथड से हमारी वैल्यू आएगी, और वैल्यू कहाँ से लेना है हमको, नम से, क्लियर है? यानी टेक्स्ट बॉक्स में अब जो भी वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे, ये वाली बॉक्स में जो भी वैल्यू लिखेंगे वो कहाँ पर आ जाएगी, str में, ठीक है? str में वैल्यू आने के बाद आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मैं यहाँ पर एक चेकिंग करा सकता हूँ। मैं डायरेक्ट या तो दो वेरिएबल ले लेता हूँ, str2 ले लेता हूँ, और ये पहली वैल्यू जो है वो str1 है, क्लियर है? यहाँ पर हम एक फंक्शन का यूज करेंगे जिसका नाम है str रिवर्स, जो किसी स्ट्रिंग को रिवर्स कर देता है। तो निश्चित सी बात है कि मैं यहाँ पर str str1 को रिवर्स करूँगा तो वो str2 में चला जाएगा, और str2 को जब मैं यहाँ पर चेक करूँगा, यहाँ पर इफ़ लगा देते हैं हम लोग, इफ़ str1 इक्वल इक्वल $str2 क्या होगा, एल्स में होगा हमारा कोड बन गया। बहुत छोटी सी स्क्रिप्ट है जिसमें हम पैलिंड्रोम और नॉट पैलिंड्रोम को यहाँ पर चेक करा पा रहे हैं, क्लियर है? यहाँ पर आपको रिवर्स फंक्शन यूज करने के पहले छोटी सी चीज देखना पड़ेगा कि अपडेशन वहाँ पर तुरंत तो नहीं होता है। अगर तुरंत अपडेशन हो रहा होगा तो हमेशा जो है आपका पैलिंड्रोम आउटपुट ही आएगा, क्लियर है? हमारी स्क्रिप्ट तैयार है, ये छोटी सी स्क्रिप्ट जो है PHP की वो HTML के साथ जुड़ गई है, और ये पैलिंड्रोम और नॉट पैलिंड्रोम चेक करने के लिए रेडी है। मैं यहाँ पर सेव कर रहा हूँ और यहाँ पर लोड करूँगा। हमारा जो इनिशियल आउटपुट है वो इस तरीके से आ चुका है। इनिशियल आउटपुट को भी हम हाइड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने दिया तो देखते हैं क्या आउटपुट आ रहा है, नॉट पैलिंड्रोम, और MADAM देने पर क्या आउटपुट आ रहा है, पैलिंड्रोम, क्लियर? तो ऐसा कोई भी वर्ड आप लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा लो, तो ये नॉट पैलिंड्रोम आएगा, और अगर मैं कुछ ऐसा वर्ड लिखता हूँ मलयालम, ठीक है, ये इस वर्ड को देखिए, मलयालम ये पैलिंड्रोम है, देख लेते हैं नॉट पैलिंड्रोम है, ओके ये पैलिंड्रोम है मलयालम। ये वाई जो है सेंटर में है, उसके बाद ए है, ओके ये पैलिंड्रोम है। तो ऐसे वर्ड जो मलयालम है, मैडम है, जहाज है, डैड, मॉम, ये सारे वर्ड्स जो है पैलिंड्रोम कहलाते हैं। उनके लिए स्क्रिप्ट यहाँ पर आपके पास लिखी हुई है, कुछ नहीं करना है। जो भी इनपुट हमारे पास आया है उसको एक स्ट्रिंग में ले लिए और उस स्ट्रिंग को रिवर्स कर दिए और दूसरे स्ट्रिंग में दे दिए। अगर रिवर्स करने के बाद string 1 और string 2 सेम है, मतलब रिवर्स करने के बाद भी सेम चीज़ मिल रही है हमको, तो वो पैलिंड्रोम है, अदरवाइज नॉट पैलिंड्रोम है। बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है, क्लियर है? तो ये आपका था असाइनमेंट नंबर 40।